Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. देखिए, सबसे पहले आज अरविंद केजरीवाल जी ने भारत की राजनीति में एक नए इतिहास की शुरुआत करी है। जनता की अदालत आज आयोजन किया गया था उसी जंतर मंतर की पवित्र धरती पे जहां पे अन्ना आंदोलन 2011 में शुरू हुआ था। और आज केजरीवाल जी ने यहाँ पे दिल्ली के कोने कोने से हजारों लोग जो आए थे उनके सामने एक सवाल रखा, अगर मैं ईमानदार हूं तभी मुझे वोट देना, अगर मैं ईमानदार नहीं हूं तो मुझे वोट मत देना। और सारे लोगों ने यहाँ एक सुर में बोला, केजरीवाल जी आप ईमानदार हैं, आपको षड्यंत्र के तहत आपको फंसाया गया था। दूसरी बात, केजरीवाल जी ने जो आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी से पूछी, मेरे ख्याल से देश में आरएसएस का हर कार्यकर्ता आज यही पूछ रहा है, देश में हर एक व्यक्ति जिसने कभी भी भाजपा को वोट दिया आज उसके मन में भी यही सवाल है। ये क्या सवाल है? पहला सवाल है कि मोदी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात करते हैं, लेकिन देश के तमाम जितने भ्रष्टाचारी हैं, जिसको भ्रष्टाचारी घोषित करने वाले खुद मोदी जी या अमित शाह जी हैं, पहले आप भ्रष्टाचारी घोषित करते हो, ईडी सीबीआई की रेड लगाते हो, और कुछ दिनों बाद आप उनको भाजपा में शामिल कर लेते हो, किसी को मंत्री बनाते हो, किसी को उप मुख्यमंत्री बनाते हो, तो ये क्या, इसका क्या मतलब हम समझे? क्या इससे आरएसएस सहमत है कि इस प्रकार की राजनीति होनी चाहिए? दूसरा, जो चुने हुए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को जेल में भेजने का काम कर रही है, सबूत कोई नहीं है, ट्रायल या मुकदमा शुरू नहीं हुआ, लेकिन आपने जेल में भेज दिया, पार्टियों को तोड़ने का काम किया, सरकारों को गिराने का काम किया, तो इस प्रकार की क्या डेमोक्रेसी देश के लिए सही है, नहीं सही है? और जो तीसरी अहम बात करी, जेपी नड्डा जी ने लोकसभा चुनाव के पहले क्या कहा, क्या उन्होंने कहा कि भाजपा को आरएसएस की अभी कोई जरूर नहीं है, हमें जितना फायदा मिलना था आरएसएस का मिल लिया, अब आप अपने रास्ते जाओ? तो साफ सवाल जो आरएसएस के हर कार्यकर्ता के मन में होना चाहिए कि क्या मोहन भागवत जी से सहमत है कि भाजपा को आरएसएस की कोई जरूरत नहीं? जनता की अदालत आज यहाँ हुई, क्या ये आगे भी चलता रहेगा, अगली कड़ी कहाँ देखने को मिलेगी, और बीजेपी इसे एक पूरा पॉलिटिकल ड्रामा करार दे रही है? देखिए, जो पार्टी खुद ड्रामा और नौटंकी कंपनी बन के रह गई है, जो कभी भी देश के लोगों के हित की बात नहीं करती है, कभी भी मुफ्त बिजली की बात नहीं करती, महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की, शानदार सरकारी स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक, ये कभी भाजपा के लोग बात करते हुए नहीं दिखेंगे। हाँ, किसी को नौटंकी बोलना, किसी को कुछ कहना, अनाप शनाप आरोप लगाना, ये करते हुए दिखती है। और यहाँ केजरीवाल जी किस चीज की बात कर रहे हैं? कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन जनता की मुफ्त बिजली हम नहीं रुकने देंगे, शानदार सरकारी स्कूल बच्चों को, गरीब बच्चों को मैं दिलाता रहूंगा। तो ये अंतर है भाजपा और आम आदमी पार्टी में। आने वाले दिनों में जब तक दिल्ली के चुनाव नहीं हो जाते, ये जनता की अदालत जो आपको दिखी वो दिल्ली के हर कोने में, दिल्ली के हर विधानसभा में होगी।